हेलो दोस्तों, सो हम लोग अब है बेंगलोर में। आप देख सकते हो दो और नए लोग हमारे साथ है, शिवाई भी है, आकाश जी भी है, और ये साल का लास्ट ट्रिप होगा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चलिए पूछते हैं हमारे नए मेहमानों से ही, कहाँ जा रहे हैं? ऊटी जा रहे हैं हम। हाँ। फिर टॉय ट्रेन की राइड लेने वाले हैं। कुन्नूर जा रहे हैं। भूल ही जाता है तो। कोई बात नहीं, हमारे मेहमान भूल गए हैं, कंफ्यूज आ गए हैं भाई। हाँ, शिवाय है हमारा गाइड। तो अभी सुबह के 4 बजे है, चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वंडरफुल जर्नी में। टाटा। एट अराउंड 7:30 हम मैसूर पहुंच गए थे। उसके बाद हमने पेट भर कर खाना खाया और फिर सीधा हम ऊटी के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमें बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटका का पार्ट है, और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु का पार्ट है, वो भी क्रॉस करना था। थ्रू आउट दिस एंटायर जर्नी हमने बहुत ही अलग अलग तरीके के वाइल्ड एनिमल्स भी स्पॉट करे, जिसके कुछ ग्लिम्पसेस मैंने इस वीडियो में भी एड करा हुआ है। नीलगिरी या ब्लू माउंटेन, ये नाम इन पहाड़ों को स्ट्रोबिलेंथस नाम के एक फूल के वजह से मिला है, जो वहाँ बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट भी है, जिसके वजह से यहाँ अलग अलग प्रजाति के प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। ऊटी इसी नीलगिरी का एक हिस्सा भी है। लश ग्रीन पहाड़ों को क्रॉस करके हम सीधा पहुंचे चाय के बगानों के बीच हमारे स्टे में। जी हाँ, हमारा स्टे था कासा बोनिडो। हमारा सूटकेस ऊपर तक लाने के लिए। सो इट्स 4 नाउ और आप हम हेड करेंगे टुवर्ड्स दी एमराल्ड एंड एवलेंच लेक। सुना है ऊटी में बाकी सारे डेस्टिनेशन के कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा लोग यहाँ पे कम हैं। इनफैक्ट तो इंडिया में ऐसी कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है जहाँ लोग बहुत कम होते हैं, बट स्टिल वी आर होपिंग कि हाँ थोड़ा सा क्राउड हमें कम मिले ताकि हम नेचर को एन्जॉय कर पाए। तो चलिए चल के देखते हैं कैसा रहेगा हमारा एवलेंच एंड एमराल्ड लेक। ओके राशि, अब थोड़ा बता दो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एमराल्ड लेक की तरफ। ओके, तो हम हाँ तो आप समझ पा रहे हो ना, हम थोड़ा सा ऑफ रोड जा रहे हैं। ये देखिए जय, छोटे छोटे एनिमल से लगता है डर गया है। डर गया है, छोटे छोटे छोटी सी। अरे ये मेरा लिटिल लिटिल बियर। 2-3 मिनट वॉक करने के बाद हम लेक पहुंचे। बिल्कुल खाली और शांत था, एक अलग ही नजारा हमें वहां देखने को मिला। लेक में करीब 1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद हम सीधा ऊटी शहर गए और वहां पे हमने ढेर सारा स्नैक्स भी खाया। सो आज है day 2 और आज हम पाइकारा वाले रोड में जा रहे हैं। बेसिकली कल हम एवलेंची लेक कवर नहीं कर पाए क्योंकि 2 बजे लेक बंद हो जाता है और हमें ये बिल्कुल पता ही नहीं था, बट समहाउ एमराल्ड लेक खुला हुआ था, हम वहाँ गए एंड ट्रस्ट मी द प्लेस वॉज वेरी पीसफुल। एक अलग ही सुकून था वहाँ पे। आज हम जल्दी निकल गए हैं क्योंकि आज हमें कुछ मिस करना नहीं है। वैसे तो ऊटी में बहुत सारे गार्डन्स हैं, बहुत सारे लेक्स हैं, बट हम ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर रहे क्योंकि हमारा सोचना था कि हम
खाली थोड़े पीसफुल जगहों को ही कवर करेंगे। तो इसीलिए हम पाइकारा वाले रोड में जा तो रहे हैं लेकिन पाइकारा वाटरफॉल कवर नहीं करेंगे। हम उसी रास्ते में जो पाइन फॉरेस्ट आता है और नाइन्थ माइल आता है, ऑल्टो नाइन्थ माइल में भी बहुत सारे लोग होते हैं, हम उन एरियाज को कवर करेंगे। तो चलिए कैसा रहेगा आज का एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे मैं डेफिनेटली बताऊंगी। पाइन फॉरेस्ट में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ था तो इसीलिए हमने वो इरादा ही स्किप कर दिया। उसके बाद हम सीधा गए नाइन्थ माइल। ऑल्दो नाइन्थ माइल में भी बहुत सारा रश था, फिर भी हमने समहाउ वहां पे बहुत सारे फोटोज क्लिक करे, एक डेढ़ घंटा वहां स्पेंड किया और उसके बाद लंच के लिए हम एक रिजॉर्ट पे चले गए। वहां हमने भर पेट बहुत ही अलग अलग वैरायटी के लंच खाए। पेट भर के खाना खाने के बाद हम यहाँ वहाँ थोड़ी देर रिजॉर्ट में मंदराते रहे और फिर सीधा गए कुन्नूर के हाईफील्ड टी एस्टेट पे। 1819 के अराउंड ब्रिटिशर्स ने इन इलाकों पर टी और कॉफी कल्टीवेशन की शुरुआत करी थी। यहाँ हाईफील्ड में हमें किस तरीके से टी प्रोसेसिंग की जाती है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया गया। पहले पत्तियों को कुछ इस तरीके से रखा जाता है और उसके बाद ब्लो ड्राई के हेल्प से इनको सुखाया जाता है। फिर कुछ इस तरीके के रोलिंग मशीन के थ्रू पत्तियों को रोल किया जाता है, पत्तियों को कट किया जाता है और उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि पत्तियों के अलग अलग स्टाइल में काटने के लिए भी अलग अलग तरीके के रोलिंग एंड कटिंग मशीन भी होते हैं। चाय के प्रोसेसिंग के साथ साथ हमें अलग अलग ग्रेड के चाय पत्तियों के बारे में भी जानकारी दी। करक टी कैसे बनती है, ग्रीन टी कैसे बनती है और आजकल जो एक व्हाइट टी के नाम से बहुत फेमस है ये कैसे बनती है, ये सारी चीजें हमें जानने को मिली। चाय पत्तियों के डेमोन्स्ट्रेशन से निकलने के बाद हम उसी के बगल में यूकेलिप्टस की फैक्ट्री जो है वहां पहुंचे। वहां हमें डेमोन्स्ट्रेशन मिला कि किस तरीके से यूकेलिप्टस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके इस्तेमाल से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हो सकता है। 350 kg ग्रीन लीव्स डालते हैं, डालने के बाद ना इसको वैक्यूम टाइट लिड बंद करके नीचे से आग लगाते हैं। आग लगाने से ना स्टीम स्टार्ट होगा 3 घंटों में, क्योंकि 200 लीटर पानी है इसलिए टाइम लग जाता है। तो जैसे स्टीम स्टार्ट होगा ना ड्रॉप बाय ड्रॉप वेफर जाएगा कोल्ड वाटर कंडेंसेशन को। ये कोल्ड वाटर कंडेंसेशन रहा तो ही आपको ऑयल फॉर्मेशन आएगा, अगर ये हॉट वाटर हो जाएगा ना तो ऑयल फॉर्मेशन नहीं आएगा। इसीलिए टैप दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि स्मोक ये भी आ रही है उसमें स्टीम, ठीक है। तो इसीलिए कोल्ड वाटर बहुत गर्म है सर। तो जैसे कंडेंसेशन होता है ना आपको फर्मेंटेशन पाइप मिलेगा जहां पे ऑयल कलेक्ट होता है। यूकेलिप्टस एक्सट्रैक्शन देखने के बाद हम पास में होममेड चॉकलेट बनाने के फैक्ट्री में भी चले गए और वहां पे हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया कि किस तरीके से कोकोआ से अलग अलग ग्रेड के चॉकलेट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट्स, मिल्क चॉकलेट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि कितने प्रकार के चॉकलेट्स हमने वहां खाए और देखे। नीलगिरी रेलवे जो आज टॉय ट्रेन के नाम से फेमस है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, असल में ब्रिटिशर्स द्वारा 1908 में एस्टैब्लिश की गई थी। सो आप देख पा रहे हो अभी हम जा रहे हैं टी एस्टेट के सफारी पे। हाय बोल दे। हाय मम्मी के ब्लॉग में ये है हमारे शिवाय, आकाश जी, जय राम जी, जय जय राम। और ये हमारे राशि बहन तो अब हम आपको दिखाएंगे ये कैसा लगेगा। कुन्नूर में हमारा स्टे था होटल सन वैली में, जो कि एक अमेजिंग होम स्टे था। आप कभी भी इस तरफ जाओगे देन आई डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस होम स्टे। यही पे एक नॉमिनल प्राइस में जीप सफारी भी ऑफर किया जाता है और सच में मैंने रेगिस्तान में जीप सफारी करी है, मैंने स्नो में करी है, बट दिस वाज ऑल टुगेदर अ
different experience. स्टार्ट है डरना। ऐसे मैं थोड़ी धीमे चलूंगी तो तू भी चलेगी ठीक है। ओके रेडी स्टार्ट वॉकिंग। बैक सीधा करो कुब्जा काहे बने हो। घूम जाओ उसका चेहरा दिखाओ। वक्त की कमी के वजह से बस 2 दिन का ही हमारा ये ट्रिप था, बट वही कहते हैं ना, ड्यूरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द ब्यूटिफुल कंपनी ऑफ जे एंड राशि एंड ऑब्वियसली शिवाय रकाश एंड ड्यू टू द ब्यूटिफुल ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलगिरी ये सफर भी हमारा सुहाना बन ही गया था। थैंक यू।